जो एविक्शन हुआ है, मैं एविक्ट हुई हूँ इस गेम से, वो अनफेयर था। तो देखो हमारा रिलेशन ऐसा है, मैं मानती हूँ कोई भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और समाज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूँगी, मैं ज़्यादा दिखूँगी। और शिवानी जो है लोगों को डोमिनेट कर रही है, वो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोलती है अपनी बात आगे रखने के लिए, वो चिल्लाती है लोगों के सामने, बदतमीजी करती है। वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बेड पे रहते हैं, उनको बेड से उठा के मेडिकल रूम तक ले जाने के लिए भी दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पायल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका खेल लोगों को काफ़ी पसंद आया, आपको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, लोग ऑडियंस कह रहे हैं कि ये जो एविक्शन था अनफेयर था, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ये जो एविक्शन हुआ है, मैं एविक्ट हुई हूँ इस गेम से, वो अनफेयर था। मुझे इस गेम में अभी और खेलना था, मैंने तो खेलना स्टार्ट ही नहीं किया था। और मैं अगर निकली हूँ इस घर से तो वोटिंग की वजह से नहीं निकली हूँ, मुझे पूरा सपोर्ट मिला है जनता का, पर जो अंदर घर वाले थे, घर वालों की वजह से जो है मुझे इस गेम से आउट होना पड़ा, निकलना पड़ा। ऐसे कौन से घर वाले लग रहे थे आपको कि जिन्होंने कहा कि आपको निकलना चाहिए, जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? जी सबसे पहले दीपक जी, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेशन की उसमें डाला था, और दूसरा नेजी भाई। और नेजी भाई का मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कल के एपिसोड में बोला है कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पायल मेरी वजह से गई है और शायद मेरा वो डिसीज़न गलत था। तो जो एक थोड़ा सा दुख था मुझे भाई को लेके कि उसने उन्हें ऐसा बोला, वो अब क्लियर हो गया है कि उनको ये एहसास हो गया कि उनकी वजह से आज मैं उस गेम में नहीं हूँ। पर दीपक जी के लिए मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के बैठे थे कि ये तीन लोग एक ही घर से आए हैं और इनके तीन वोट एक साथ हैं, ये मिलके खेलेंगे। उन्होंने हमें इंडिविजुअल देखा ही नहीं और वो चाहते ही नहीं कि हम इंडिविजुअल इस गेम में रह के खेल सकें। पहले आपने दीपक जी की बात करी, मैं बात करूँ नीरज जी की, उन्हें ऐसे लगता है कि दीपक यू नो एज अ विनर निकल सके, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, जस्ट बिकॉज वो अभी व्हीलचेयर पर है या यू नो उनका फ्रैक्चर है, इसी वजह से वो अपनी गेम को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, क्या कहना है आपको इस बारे में? मेरा कहना ये है, दीपक जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा पता है हम लोगों से ज़्यादा, ठीक है, पर जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से वो उस गेम में अपना जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बेड पे रहते हैं, उनको बेड से उठा के मेडिकल रूम तक ले जाने के लिए भी दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस वक्त ना बुला के शायद नेक्स्ट सीज़न में अगर बुलाते तो वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते और शायद विनर भी हो सकते थे। पर इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, शिवानी का और अरमान जी का जो फाइट हुआ था उस दिन मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में सना मकबूल पलोमी और यू नो शिवानी बैठी थी और अरमान सामने की तरफ बैठे थे आप लोगों के बीच में, तब शिवानी को उन्होंने ये कहा था कि ये इंसान पर भरोसा नहीं करना, और वहीं हम दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर देख रहे कि शिवानी ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुकी है अरमान जी के साथ, मतलब वो उनको पहचानती है 2 साल पहले की। वो 2 साल पहले एक्चुअली क्या था कि हम लोगों की ग्रैंड मैरिज हो रही थी, मेरी और अरमान की, मेरा सपना था जो वो पूरा कर रहे थे, तो उस ग्रैंड मैरिज में शिवानी आल्सो इनवाइटेड, वो इनवाइटेड थी। उस टाइम तकरीबन उसके 1.5 मिलियन या 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, तो वो हमारी शादी में आई थी इंजॉय करने, तो वो 2-2.5 साल से हमें ऑलरेडी जानती थी। जी वेल, अभी ये जो उन्होंने कहा है कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत शातिर है, क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर आप? शिवानी के लिए आप बोल रहे हैं? Yes. जी शिवानी, क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूँगी, मैं ज़्यादा दिखूँगी, तो वो वही काम कर रही है। वो अपनी भाषा को लेके बार बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा, वो लोगों के सामने ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो बच्ची है, वो छोटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी नहीं है गाइस, वो अपने घर को खुद चलाती है। और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है, कोई समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेल सकता है और खेलने की कैपेसिटी रखता है और जीतने की भी रखता है, तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा, उसकी हार्श बात करने का तरीका, वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, जैसे कि उसने रणबीर जी से बदतमीज़ी की, अरमान जी से करी बदतमीज़ी, मेरे से, और क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं, अगर वो 22 साल की है
तो आई वॉज 32 ईयर्स, मैं 32 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है वो। वेल यू नो, कई लोगों का ये भी कहना है कि हमें दूसरी मनीषा रानी नहीं चाहिए, एक ही काफ़ी थी। तो आपको लगता है वो मनीषा रानी बनने की कोशिश कर रही है और दिल जीतने की कोशिश कर रही है लोगों? पर जो मनीषा रानी, जो मनीषा रानी ने जो खेला और उसने अपने आप को दिखाया है बिग बॉस में, वो एक पॉजिटिव वे से, उसकी सिर्फ लैंग्वेज सेम थी पर वो बिल्कुल भी अपनी शिवानी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका नेचर बहुत ही अच्छा है और शिवानी जो है लोगों को डोमिनेट कर रही है। वो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अपनी बात आगे रखने के लिए वो चिल्लाती है लोगों के सामने, बदतमीजी करती है, जैसे बहुत सारे लोगों, ऑलमोस्ट सभी लोगों से उसकी, सिर्फ चंद्रिका और सना मकबूल और विशाल, शायद विशाल से भी उसका झगड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी घर वालों से उसका झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है। तो मनीषा ऐसी नहीं थी, मनीषा बहुत अच्छा पोलाइटली सबके साथ थी और बहुत अच्छा रिलेशन बना के गई सबके साथ। पर आप लोग, आपके रिश्तों के बारे में यू नो बाहर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है, आप आपके रिश्तों को क्या कहना चाहोगे, रिश्ते के बारे में लोगों को क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से यू नो बाहर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? वही आपके YouTube पर आपके फैन फॉलोइंग जरूर होंगे, बट जब OTT पर आने के बाद वो चीज़ें लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या कहना है आपको? तो देखो, हमारा रिलेशन ऐसा है, मैं मानती हूँ कोई भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और समाज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, पर बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी हमारे रिलेशन में। हम लोग तीनों 1.25 साल के लिए अलग भी हो गए थे, हम सेपरेट भी हो गए थे, वो भी करके देख लिया था, पर जो बहुत सारी परेशानियाँ, तकलीफ हमने झेली है, मरने की कगार तक हम तीनों पहुँच गए थे, पर उन सबको समेट के हमने वापस अपने रिलेशन को बनाया है और इस रिलेशन में आज इतना प्यार है कि दुनिया की कोई भी ताकत हम तीनों को अलग नहीं कर सकती है। पर इसी के साथ साथ हम समाज को ये मैसेज देते हैं कि हम लोग दो शादियों को सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, ना ही ज़िंदगी में कभी करेंगे। ये गलती अरमान जी से हुई है, वो ये चीज़ मानते हैं, उनसे ये गलती हुई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पॉलीगमी को सपोर्ट करें दो शादियों को, नहीं जी नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने हर व्लॉग, हर न्यूज़ चैनल पे जब हम अपना इंटरव्यू देते हैं तो हर जगह बोलते हैं कि प्लीज़ हमसे ये गलती हो गई, आप लोग ना करें, क्योंकि हमारे जैसा अंडरस्टैंडिंग, हमारे जैसा प्यार एक औरत और दूसरी औरत के बीच में नहीं हो सकता है। पायल, यू नो अभी जिस तरह से आपने कहा कि यू नो बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स भी हुए हैं, अब जब आप बिग बॉस पर आते हो और इतना डार्क फेस को यू नो वापस से एक बार रिपीट किया जा रहा है, सेम चीज़ें रिपीट की जा रही है, ये कितना मेंटली टॉर्चर है? और इससे अभी उगना चाहोगी या वहीं पर यू नो वो सब मेमोरीज अभी रिकलेक्ट? नहीं नहीं, बिल्कुल भी रिकलेक्ट नहीं करना, अब उस फेस को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। पर क्या होता है ना कि आपकी कुछ चीज़ें जो कुछ इमोशन जुड़े होते हैं आपकी लाइफ के साथ, तो वो उस समय के साथ भी हमारे थोड़े, मेरे अलग हैं, अरमान के अलग हैं, कृतिका के अलग हैं, इमोशंस हैं, वो जब कोई बिल्कुल अंदर घुसता है ना तो एक डार्क फेस याद आता है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो लेकिन अब उस लाइफ को हम बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते और बिल्कुल भी नहीं उसके बारे में बात करना चाहते। इवन पायल, अभी आप घर से बाहर हो चुकी हैं, आप अपने बच्चों के साथ हैं, लेकिन आप अरमान को कितना मिस करेंगी, क्योंकि अभी वो तो घर के अंदर ही है? अरमान जी घर के अंदर है, मैं उनको मिस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उन्हें रोज़ 24 आवर्स लाइव देखूँगी और उनके हर एक जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो देखूँगी, उनको मिस नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कृतिका है उनके सपोर्ट के लिए, पर बाहर से फुल सपोर्ट दूंगी। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मुझे पता है मैं जो है नॉमिनेशन मेरी अगर हुई है तो वोटिंग की वजह से नहीं हुई, मुझे फुल सपोर्ट मिला है, घर वालों की वजह से मैं बाहर आई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ जाते जाते कि आप लोग जी भर के, दिल खोल के अरमान और कृतिका दोनों को वोट कीजिए और उनकी आगे की पर्सनैलिटी आपको जो है गेम में देखने के लिए मिलेगी कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। पर लास्ट जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह अभी आपने यू नो मेंशन किया था एक प्यार को पाने के लिए आपने अपनी फैमिली को खो दिया था, अब आपकी फैमिली का क्या फीडबैक है जब बिग बॉस से बाहर आ गए? मेरी फैमिली का कोई फीडबैक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे फेम से, मेरे पैसे से कोई लेना देना है, क्योंकि ऑलरेडी फेम मेरे पास है, लोग मुझे जानते हैं मेरे यूट्यूब से, मेरे इंस्टा से लोग मुझे जानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो 13 साल में वेट नहीं करते मेरे पास आने के लिए, तो बिग बॉस OTT से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू।